नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। जी हां, आपको बताते चलें, इंडियन ऑयल तेल की पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चुराने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। कोकराज पुलिस ने एसओजी टीम के साथ सरगना सहित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सरगना पर 50,000 का इनाम घोषित था। गिरोह के 8 सदस्य पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया, वर्ष 2021 में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर चोर तेल चुरा ले गए थे। मुकदमा कोखराज थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद बदमाशों ने कानपुर के नरवल इलाके में भी इसी अंदाज में चोरी की थी। इसके बाद गिरोह के लोग चरवा इलाके में चोरी करने पहुंचे। इस दौरान गिरोह के 8 सदस्य पकड़े गए थे, जबकि बाबू शुक्ला और शरद शुक्ला निवासी मदार दरवाजा और अय्या व अवधेश दुबे निवासी ब्रह्मनगर और अय्या पुलिस की पकड़ से दूर थे। गिरोह के सरगना बाबू शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। दोनों बदमाशों को इंस्पेक्टर कोखराज विनोद मौर्य व एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह की टीम ने रोही के समीप से गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से दो तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। कुछ उनका जमीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच शिवमंजनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष पाया जाएगा, उसमें पकड़ा गया है। क्या उनके खिलाफ एक अभियुक्त जो थाना चरवा कोखराज और कानपुर के थाना नरवल से वांटेड था, जो आईजी रेंज महोदय द्वारा उस पर 50,000 के नाम घोषित था, उस पर 2021 से ही वांटेड था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ में एक और साथी गिरफ्तार हुआ है उसका, और उसके साथ दो अवैध तमंचे खोखा कारतूस बरामद हुए। ये तेल चोरी की घटना करते थे, जो बहुत गंभीर किस्म का अपराध है। तेल की पाइपलाइन जा रहे हैं, उसको खोल के तोड़ के करते थे। उससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएँ हो जाती थी, पूरा एरिया जल जाता था। ये डीजल पेट्रोल सारे तेल उस लाइन से जाते हैं। 50,000। कितने लोग? दो लोग।